भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज एमवी रुएन को बचाने का ऑपरेशन पूरा कर लिया है। आपको बता दें, ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। यह ऑपरेशन 40 घंटे तक चला। इसे पूरा करने के लिए युद्धपथ आईएनएस सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन P-81 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। नौसेना ने बताया कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। लुटेरों के सरेंडर के बाद अवैध हथियारों, गोला बारूद और प्रतिबंधित सामग्री के लिए जहाज की तलाशी ली।